किस बढ़िया बात है सर भगवान पर अच्छी दी। एक तो सर्व को प्रकाशित करने की बात है और एक सर्व भावांतर, एक अपना भाव और सर्व भावांतर माने पर भाव, इसको दूसरी रूप में कह सकते उनको छेदन करने वाला विकरालता और सर्वज्ञता एक साथ होती है और विकराल सर्वज्ञता में विकरालता हुई तो सर्व दोषों का अभाव हुआ। नियमसार जी टीका में तो जहां देव का स्वरूप कहा वहां शंका रहित माने सर्व दोषों से रहित। ध्यान रखना सम्यक दृष्टि को शंका नहीं होती, जिसे सम्यक दर्शन करना हो उसे शंका नहीं करना चाहिए। जिन वचन चुपचाप रह जाना चाहिए ऐसा नहीं कहा, निश्चय करना चाहिए लक्षण से प्रमाण से नय से समझो से। समझ करके तब मानो ऐसा नहीं हो। जिनवाणी का स्वाध्याय करने का एक तरीका है, समझ में नहीं आए तो अभी ना मत करो और समझ में नहीं आए तब तक हाँ मत करो। समझ में नहीं आए तब तक ना मत करो तो भी नहीं, बात तो सच्ची है समझ में नहीं आ रही हमारा दोष है। कल दृष्टांत कहा था यहां सुई का छेद हमें नहीं दिखता, ये हमारी कमजोरी है, खेत उसमें है। ये तत्व हमें समझ में नहीं आता हमारा दोष है ऐसा नहीं है। समझ में नहीं आता बहुत कठिन है, कठिन नहीं है, कठिन की कल्पना ही कठिन है। कठिन का शब्दार्थ मत करना, भावार्थ समझना, कठिन माने पराधीन। और कठिन क्या असंभव है, वो पाप के उदय में पुण्य की उदय में भले अभिमान कर ले हम कमाते हैं लेकिन पाप के उदय में एक शराम नहीं आती, जो व्यापार करेगा वही नुकसान हो जाता। समझ में न आने का कारण एकाग्रता नहीं होना, प्रसन्नता होना, विपरीत समझ को समझ मान लेना, ये तो हम जानते हैं, ये तो हम समझते हैं। अरे यही तो हम नहीं समझते, मैं जीव हूं, जीव हूं ये समझ में आया है, जो जानता नहीं आत्म को अनात्म को नहीं जानता, जो जानता है आत्म को अनात्म को भी जानता, मैं आत्मा हूं ये समझ में आवे और शरीर भिन्न है ये समझ में नहीं आवे, ऐसा नहीं होगा। इस ज्ञान में आत्मा निज बने जानने में आता है, शरीर भिन्न रूप से पर बने जानने में आता है, एक साथ दोनों ज्ञान। सम्यक दर्शन के लक्षणों की चर्चा करते हुए एक बात कही गई आपसे, आत्मानुभूति रूपी लक्षण में चारों लक्षणों में गर्भित हैं,
मानी सम्यक दर्शन हो गए, देव की भक्ति नहीं हो गए, गुरु की भक्ति नहीं हो यथायोग, ऐसा नहीं हो सकता। उसे देव साथ गुरु के प्रति भक्ति भाव भी होगा, तत्वों का निर्णय भी होगा, वेद ज्ञान भी होगा। ऐसा नहीं है नीचे का वो एक बीज बोया था, अंकुर आया, वो अंकुर वृक्ष बनने पर कहां गया? अंकुरा बन वो पहले दिन जो दो दिन बाद आ गया था, वो वृक्ष बनने के बाद कहां गया? अंकुर ही तो तना बन गया, जो इतना बड़ा आपको दिखता है वो अंकुरा का, अंकुर का ही रूप है। श्रद्धा गार अवगार परमावगार हो जाती, ये थोड़ी है कि आगे बढ़ते ही गए पीछे का खत्म होता गया। माने तत्वों का निर्णय हो गया इसलिए हमको देवसाथ गुरु के प्रति भक्ति नहीं है, ऐसा नहीं। देवसाथ गुरु की भक्ति होने पर तत्वों का निर्णय होता है, जिसके प्रति भक्ति भाव हो उसके ही वचनों का विचार चलता है। अगर भक्ति भाव नहीं हो तो कई होगी। अरे आप अपने से नापो, कोई पागल खड़ा हो आप चले आ रहे हो कुछ कहने लगे तो उस पर कौन ध्यान देगा? वो तो पागल है, कहता ही रहता है। अरे घरों की दशा मत कर देना, दादी टट रट करती है, कहती रहती है, दादाजी कहते रहते, अरे तुम्हारे हित की कहते हैं, उन पर ध्यान दो। कहने का मतलब ये नहीं है कहते रहते कहते, कहने दो ऐसा नहीं, ध्यान दो उन पर, ये तुम्हारी हित की बात है। देवसाथ गुरु कहते हैं तुम्हारे हित की बात है, तुम्हारी बात है, इसके बिना हित नहीं होगा। ये नहीं है ये तो जो ही कहते रहते, इन्हें का मतलब आदत पड़ गई है। अरे तुम्हारी सुनने की आदत नहीं पड़ गई, अनसुना करने की आदत नहीं हो गई। जो गुरुजनों के कथनों का पर ध्यान नहीं देता, अब क्या करें, कल्याण का प्रारंभ नहीं हुआ। ऐसा नहीं समझना चाहिए तत्वों का निर्णय तुम्हें हो गया, बंधताई आ गई तो तुम सोच रहे हो देव गुरु धर्म की भक्ति नहीं है। नीचे का खतन खत्म हो गया, उसकी उपयोगिता खत्म हो गई, ऐसा मत समझना। वो ऊपर वाले का आधार है, ये छत है दीवार, नींव, नींव दीवार बनने पर निरर्थक नहीं हो गई, छत पड़ने पर दीवार ने निरर्थक नहीं हो गई। छत टिक गई काय पर, दीवार ने टिक गई काय पर। आपकी आत्मानुभूति पूर्वक होने वाली जो श्रद्धा है वह टिकेगी काय पर। पंडित चोरमल जी ने कहा जहां होती है वहां चारों ही लक्षण होते हैं। विचार करो इसका, हम फिर आपसे कहेंगे वैचारिक पक्ष आपका बहुत कमजोर हो रहा है, विचार नहीं करना जानते। जंगल में बैठे रायचंद जी पाठ कर रहे, उधर देखने वाले पहुंच गए, मिलने वाले पहुंच गए, विचार ना। उन्होंने समझा कहीं बाहर जा रहे होंगे, वे चले गए दूसरी जगह बैठ गए। विचार ना, माने जो हम कह रहे हैं उसका विचार करो। विचार नहीं करोगे तो आचरण में कैसे आएगा? और आचरण का मतलब है दर्शनाचार भी पहले होता,
आचरण का मतलब दर्शनाचार ज्ञानाचार चरित्राचार। आप मन में सोच रहे कहां दिवा जा रही है, निर्णय करना जहां जाना है ये भी एक आचरण है, जाने का अंग है। तैयारी करना ये भी यात्रा का अंग है। ये नहीं है यात्रा बस में बैठ गए तब शुरुआत हुई। शिखर जी की यात्रा अगर बजाज के यहां पहुंच गए, एक धोती दुपट्टा तो देना, अंगोची तो चार से दे देना, ये भी यात्रा का अंग है। ये नहीं है कि हम पहुंच गए, किराने वाले की दुकान पर पहुंच गए, चावल देना, बादाम देना, लौंग देना, इलायची देना, काहे के शिखर जी आ रहे, शिखर जी आ रहे, तुम तो यहां बैठे हो, ये भी यात्रा का अंग है कि नहीं? तो तत्व निर्णय मोक्ष मार्ग का अंग है। पंडित टोडरमल जी तो तत्व विचार की महिमा कहते हुए कहते हैं, तत्व विचार वाला जीव ही सम्यक्त का अधिकारी है। जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं होता, परावर्तन क्यों होते रहते, विचार नहीं करते। विचार करो, सोचो क्या साथ में जाएगा, उसके लिए कुछ तैयारी है हमारी कि नहीं। समाधि मरण पाठ में बहुत सुंदर रानी जी, एक ग्राम जाने के कारण करे सुभाष प्यारे, जब परगति में करत बयानो तब नहीं सोचे प्यारे। एक ग्राम में जाने के लिए तो तुम तैयारी करोगे, शगुन मनाओगे, और जब प्रगति में प्रस्थान होगा उसके लिए कोई तैयारी नहीं, कोई विचार नहीं, लगे हो अपने कमाने में, खमाने जोड़ने में, खाने में, पीने में, और मान शान से बर्बाद कर। अब कहा है पके पान है, अरे पके पान नहीं है, दुर्लभ जीवन है। एक पतझड़े में जैसी पत्ता झड़ जाता है वृक्ष का, ऐसे ही एक पानी का बबूला के समान जीवन क्षण भर में नष्ट हो जाता है। लेकिन वह जीवन नहीं, अनंत काल का जीवन आपका है। विचार करो, आप कहते थे पके पाने, अब तो बुढ़ापा है, अब तो चलने की तैयारी है, कहां कहां चलने की तैयारी है। इस मनुष्य पर्याय के बदले में नरक गति में पहुंच गए, तीन गति में पहुंच गए, ये कोई तैयारी करने की बात है? अरे भाई हो तो तुम भगवान, भगवान बनना शोभा देता है, भगवान नहीं बन सको तो भगवान के भक्त बन जाओ, भगवान का विश्वास करना तो सीख जाओ। कुछ नहीं लगे हैं, सोच विचार कुछ नहीं, इसका क्या फल होगा, ये भी सुरता के स्वरूप में लिखा है, इन परिणामों का क्या फल होगा। और आपसे कह रहे हैं कि जो आप चाहते हो वह किन परिणामों का फल है, ये भी सोचो। क्या जो चाहते हैं सुख, उस सुख किस परिणाम का फल है? क्या जिस सुख को हम चाहते हैं वह हमारे इन विकथाओं के, व्यसनों के, पाप के फल से मिल सकता है? कभी नहीं, पात्रता भी नहीं होगी। एक अच्छे सज्जन ईमानदार व्यक्ति का कोई शराबी करावी बेईमान मित्र हो सकता है? हमारी तुम्हारी मित्र है क्या? आपको मालूम है शिष्य का गुरु का मिलन कहां होता है? शुभ उपयोग में,
सिद्ध गुरु तो सुदोपियों को छोड़कर गया है और तुब्बे सुबुबियों को नहीं छोड़ा है, अतुबियों आने वाले तो इतनी दूर से आ जाए और तुम दुकान छोड़ के नहीं आओ, प्रमाद छोड़ के नहीं आओ, इससे बड़ी विडंबना आज हम आए नहीं पाए। नहीं आ पाए नुकसान किसका है, हमसे कह दो आप हम आज पूजा को नहीं आए, इससे क्या होगा, तुम्हारी पूजा छूटेगी। उतनी देर का समय तुम्हारा अन्य विकथा आदि कार्यों में चला जाएगा। ध्यानताय जी ने क्या लिखा है, ताते कोट काम तज के जिनवर की पूजा करनी, करोड़ों छोड़ करके काम भगवान जिनेंद्र की पूजा करने होंगे। जिन मंदिर की भक्ति में क्या लिखा, भाग चंद चा चलिए भाई तज कर गृह कारज अगभारा, गृह कार्य अगभार पाप भार उनको छोड़ करके जिन मंदिर में चली। कहां कैसा जिन मंदिर, के कहूं पूजन कहूं भजन होते हैं, कहूं बरसत पुण्य सुत दर बहुत सुत धारा शास्त्र का स्वाध्याय हो रहा है, कहीं कोई सामायिक कर रहा है, कोई पूजा कर रहा है, कोई भी कथा नहीं, अभिमान से नहीं, सामने वाले का ध्यान भी है, जोर जोर से अपने आए और पूजा करने लगे जे माला फिरे, यह अवेक और अभिमान का चिन्ह है। हर घर मंदिर नहीं हो सकते, इसलिए घर वालों के लिए मंदिर बनाने की व्यवस्था है। जिनका मन ही मंदिर बन गया ऐसे इन मुनीश्वरों के लिए मंदिर की जरूरत नहीं रही, जहां बैठे है वही मंदिर है। हम ये मंदिर बनाना बहुत सरल काम है, एक भगवान को और अपन एकाग्र होकर के लग जाओ, बस भक्ति करने मंदिर हो गया। अरे छोटा सा मंदिर मत बनाओ, आपका पासपोर्ट का फोटो भी काम का है, इतना छोटा। और सही बात है, परिचय पत्र में वही रह गया, इतना और फोटो तो नहीं रह गए, बस जेब में कहां धरो। अपना परिचय पाने के लिए इतनी सी प्रतिमा बहुत है, कई मॉडल उतने बड़े होते हैं, सीख लिया जाता है। गंगा नदी कितनी लंबी है, कितने मील किलोमीटर है, और नक्शे में कुछ नहीं, एक लकी हिंदी ये गंगा नदी, ये लकी ये गंगा नदी है, जब पानी है कि नहीं, पानी नहीं है, पानी का पता है। जब इतनी छोटी लकी गंगा नदी हो जाएगी तो इतनी सी प्रतिमा आपकी आपका परिचय करने के लिए पर्याप्त क्यों नहीं होगी, ये तो आपकी मन का साय का चिन्ह है, जो आप समझते हो मंदिर बहुत कठिन, मंदिर बहुत सरल है। जहां भगवान है वहां मंदिर है, लेकिन हमारी तो ऐसी साइकोलॉजी हो गई, अगर कोई गांव का मंदिर रास्ता में पड़ जाए और दर्शन करने जाए एक आध रोग तो कहेंगे वहां कुछ नहीं। अरे जहां भगवान है वहां कुछ नहीं है, कैसे निकल जाता मुंह से। अरे भगवान तो है बे, लेकिन तुझे परिचय नहीं है, महिमा नहीं है, वहां कुछ नहीं। और कांच का काम हो, डेकोरेशन हो, ओ ऐसे देखा बहुत बढ़िया मंदिर है। अरे मंदिर बढ़िया हुआ है जहां कर्तव्य बुद्धि छूट जाए,
हमको हमारे विकल्प झूठे लगने लगे। मंदिर बहुत बढ़िया, अरे मंदिर बढ़िया है जिनके लिए मंदिर बना है वे बढ़िया हैं, तो मंदिर तो बढ़िया होगा ही। हम कहें फोटो बढ़िया है, दर्पण देखते हो कभी? दर्पण तब देखा जाता है जब दुकानदार से दर्पण खरीदने जाए, वहां चेहरे के माध्यम से दर्पण को देखेंगे और रोज चेहरे दर्पण के माध्यम से दर्पण नहीं देखेंगे, चेहरा देखेंगे। दर्पण में दिख रहा है वह तो प्रतिबिंब है, और आप क्या देख रहे हैं? मैं बहुत सुंदर हूं, मैं बहुत कुरूप हूं, मेरे में दाग है, ये दाग तुम्हें लगता है और परिणति का दाग नहीं लगता तुम्हें। सोचो कपड़ा माले मेरे होने का तुम्हें दुख है और परिणति मेरी होने का दुख नहीं है। कपड़े मेरे हो जाएंगे इसलिए रोक नहीं दे रहे, परिणति कितनी मेरी होगी ये पता नहीं। आप ये सोच रहे होंगे बैठे बैठे कि ये तो बातें हम बहुत जानते हैं, अरे नहीं ये बातें नहीं जानते। नियम सार जी में टीका करते हुए पद्म मालधारी देव ने कहा, जिसके हृदय में भगवंतों की भक्ति नहीं है वह भगवान संसार समुद्र में रहने वाले मगर के मुख में है। क्या सोच रहे हो? लेकिन हमें तो अभिमान इतना है, भक्ति तो है शक्ति नहीं है, शक्ति कहां नहीं? अरे जैसे तू अपनी शक्ति समझता है वह तेरी शक्ति ही नहीं है। अपनी शक्ति को देखो तो सही, इस समय करवट बदलने की शक्ति नहीं हो, हाथ उठाने की शक्ति नहीं हो, उस समय भी उपयोग बदलने की शक्ति आपके अंदर में है, ऐसा नहीं है? अब शक्ति नहीं है, उठ नहीं जाए, उठने बैठने की शक्ति नहीं है। कौन को? आपको के शरीर को। लेकिन शरीर को अपना मानने के कारण से तुम्हें ऐसा लगता है शरीर की शक्ति वह मेरी शक्ति है। जीव सदाकाल स्वभाव से स्वाधीन है, जीव सदाकाल पर्याय की ओर से देखा जाए तो पराधीनता दिखता है, दिखता है नहीं, उस समय भी स्वाधीन है कि पराधीन। लेकिन अमृतचंद स्वामी ने प्रवचन सार जी में लिखा, क्या बाहर में साधन ढूंढने के कारण व्यस्त पराधीन होता है, व्यग्र होता है। जीव तो स्वाधीन है लेकिन जीव बाहर के साधनों को देखता है, यहां कोई साधन नहीं, आराम से बैठो, क्या साधन नहीं? लेकिन खाने का पीने का जाने का आने का उठने का साधन हो तो पांच पांच मिनट बहुत है, जगह जगह होटल है, ये भैया नाम ही है होटल, अगर तुझे होश हो तो चल जाना यहां, खड़े होने लायक जगह नहीं है। होटल की मेज पर आपको अपना घर का लिया हुआ शुद्ध भोजन भी नहीं करना चाहिए, शंका तो उत्पन्न करेगा ही। आप शुद्ध भोजन कर रहे हो लेकिन होटल वाले हम जब मेज पे बैठ के भोजन करना है कर ले, अगर आप कर रहे होगे और हम दूर से गए और हमने देखा और आपसे पूछा नहीं तो शंका हो जाएगी बेव कर रहे। हम आपसे कहते हो तो चल जाना,
लेकिन जो सो है होश नहीं है तो कोई कार्यकारी नहीं। जोश और बेहोश किसको कहेंगे? बेहोश जिसे अपना होश नहीं हो। आप यहां बैठे हैं मन स्वाध्याय सुनने के लिए, आपके घर पर क्या हो रहा है इस समय? दुकान पे कौन आया कौन गया मालूम है? नहीं मालूम। बेहोश तो नहीं कहेंगे, बेहोश से कहेंगे जिसे अपना होश नहीं। हम कहां पड़े, हम क्या कर रहे, हम कौन है? जब होश आएगा, शराबी को भी जब होश आता है तो घर की ओर कदम दौड़ते हैं। तुम्हें होश आएगा तो तुम्हारे कदम घर की ओर बढ़ेंगे। आत्मा के हित को सोचोगे, केवल शरीर की सुविधाएं ही मत होते रहो, आलस मत करते रहो। का करने है? अरे अपना हित करना है, अपने को संबोधन करो। इतनी सभा बैठी हो और उसको संबोधन करें तो ये विद्वान लोग ऐसा मानेंगे ये धर्मोपदेश। लेकिन पर के प्रति आदान प्रदान नहीं है, जो आपने पढ़ा है सुना है उसका चिंतन कर रहे हो, ये धर्मोपदेश। अपने को संबोधन कर रहे हो, का पढ़ के आए, का सुन के आए? आपकी थाली में कुछ भी आ गया, आप कपड़ी का आए थे पे? अब का सुन के आए थे? आपको क्रोध आ गया किसी प्रसंग में, का सुनवाणी में का पढ़ो? तो इसका नाम धर्मोपदेश है। धर्मोपदेश माने जो बांचा है, पढ़ा है, सुना है, उसका अपने को संबोधन करके अगर पर पदार्थ है तो वहां से विरक्त होना, और स्वतत्व है तो आसक्त रत होना। हम ये समझते हैं इतने लोग आते हैं, अरे हम नहीं आते तो क्या मतलब? चाहे 500 की भीड़ हो चाहे 5000 की भीड़ हो, अगर अपन नहीं है तो, अपन नहीं है तो अपना तो नुकसान है। 500 की पंगत में भी अपने खाने से ही पेट भरेगा। एक डॉक्टर साहब बोले, सुनो पंडित जी, आप तो दवाई दे, पाप हमारी मां थे और ठीक हो जाते आप। हमने कि ठीक, जब पाप हमारा बांट सकती हो तो दवाई भी खा सकते हो माई बदली। ये क्यों भूल जाते हो? और दवाई नहीं खा सकते, पानी नहीं पी सकते, तो फिर हमारे बदली का अब परिणाम कैसे करोगे? क्या करने? जब ये प्रश्न उठे तब अपने को संबोधन करना, वो आत्मन तुम्हें अपना हित करना है। अनादि काल का रहा हुआ मिठवार कैसे लगा है? जैसे धान के साथ छिलका किसी ने लगाया नहीं है, धान पैदा हुआ उसी समय छिलका लगा है। और पूछा भी हमने, बादाम कैसे रंग के होते हैं, उर्दा कैसे रंग के होते हैं? आप कहोगे उर्दा काले होते, बादाम बादामी होते। हमने कहा बादामी तुम ले लो, सभी सफेद हमें ले, फायदा में कौन है? अरे बादामी रंग का बादाम का छिलका है वो खाने लायक नहीं है, काले रंग का उर्दा का छिलका है वो खाने लायक नहीं है। भीतर उसके कैसा है? सफेद मिगी। बच्चा उस नारियल को देख करके रोने लगा और माने का लाओ मुखिला, उसने नारियल दी ऐसे ऐसी, और फिर फोड़ा
गिरी निकाली, ये तो बहुत मीठी है। तो मीठी तो है ही, क्या कह रहे हम गिरी और नारियल नहीं कह रहे, इसके लिए नहीं बैठे। ये द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म थे न्यारा, अपने को ज्ञान मात्र स्वरूप देखो। आत्मा देखने लायक है, लेकिन कौन सा आत्मा? तुम तो पर को आत्मा माने बैठे हो, शरीर को आत्मा माने बैठे हो। गागा करके हमारे पुजारी रो पड़ेंगे, जिसके श्रृंगारों में मेरा यह मेगा जीवन, जिसके श्रृंगारों में मेरा यह मेगा जीवन भूल जाता, होश कुछ नहीं। पंडित टोटरमा जी ने स्वाध्याय करने की एक विधि आपको बताई, और स्वाध्याय की नहीं, धर्म साधन करने की विधि। जिस प्रकार आपका उपयोग निर्मल हो वह कार्य करना, जो सच सके सो प्रतिज्ञा करना, और जिसका अर्थ जाने सो पाठ पढ़ना। पद्धति बुद्धि से कोई लाभ नहीं है। हिंदी शुद्ध आती नहीं, संस्कृत पढ़ रहे, अंग्रेजी पढ़ रहे, और हिंदी आती नहीं। अरे हिंदी और अंग्रेजी के चक्कर में मत पढ़ो, परीक्षाएं चल रही हैं, क्या चल चुकी हमें मालूम नहीं। हिंदी में भी फेल होते हैं कि नहीं? जैसे इंग्लिश जिनकी मातृभाषा है उनके लिए हिंदी कठिन है, आपकी मातृभाषा हिंदी है, आपको अंग्रेजी कठिन लगती है? लगना अलग बात है, होना अलग बात है। अपना लगता है सही, लेकिन लगना अलग बात है, होना अलग बात है। अपना है जो जो आपको अपने लगते हैं, एक बार कसौटी पर कसो, क्या वे अपने हैं? जग में जिसको निज कहता मैं, अरे अपना ही हो जाता जी। पढ़ो ये काय को पढ़ रहे हो, छोड़ वो चल देता है। माने से क्या होता, हमारे बच्चे कहते थे, लेकिन हम आपसे कहेंगे विपरीत मानने से बहुत दुख होता है, अनंत दुख होता है। सम्यक मानने से अनंत सुख होता है। मानोगे तो है, हमारी नहीं मानोगे तो अपनी मानोगे, दोस्तों की मानोगे, गुरुजनों की नहीं मानोगे तो। माता पिता की नहीं मानोगे, गुरुजनों की नहीं मानोगे तो किन की मानोगे? ऐसा कोई जीव है यहां बैठा हुआ जो मानता नहीं हो, कुछ भी नहीं मानता हो? अगर आत्मा को भिन्न नहीं मानोगे तो देह को ही आत्मा मानो। जो पर का दोष देखता है उसे अपना दोष कभी नहीं दिखाई देता। प्रसंग प्रसंग में पर का दोष देखने की आदत पड़ गई तो अपना दोष कैसे दिखाई देगा, और अपना दोष दिखाई देगा तो पर का दोष कैसे दिखाई देगा? सीता जी क्या कह रही, जंगल में बैठी हुई, कृतांत वक्र सेनापति छोड़ने गया था सिंगाटवी में। माता जी उतरो, सीता जी कहते हैं कोई संदेश राम के लिए? सेनापति ने पूछा। सीता बोली कहना राम का कोई दोष नहीं। किस बल से कहा होगा, निर्दोष पर दृष्टि होगी और अपनी पर्याय में चलने वाले रागादिक भावों को दोष जानता होगा। उस सीता के मुंह से निकला राम का कोई दोष नहीं। अरे ये तो बहुत सरल बात है, प्रजाजनों का कोई दोष नहीं, मुखिया लोगों का कोई दोष नहीं, हमारा ही उदय है। लेकिन अधूरी क्यों पढ़ते हो? उदय भिन्न है और आप, उदय तो है लेकिन हमारा उदय कहां से आ गया?
जिसमें उदय जाने में आया वो तुम्हारे में उदय में है, माने तुम्हारी परिणति में भी सदाकाल ज्ञान का उदय होता है जिसमें कर्म का उदय जाने में आता है। हमारे पाप का उदय है, जाना किसने? ए सुनो, हम मौन हैं ये हंसने लगे। मौन हो तो भूल कैसे रही हो, मौन है ये कैसे कह रही हो? मौन नहीं है ये ढोंग है। हूं मौन मत करो। मौन किसको कहेंगे? शांतम मौनम, मौनम शांतम, शांत चित्त का नाम मौन है। और कुंभकुंभ स्वामी ने नियम सार जी में कहा, हे साधको तुम मौन में अपना काम करना। हे साधी ये निज कार्य अबिर साधु रत रह मौन में। कौन से बोल रहे हो? बोल बिगाड़े के कौन सो हम बैठे अपनी कब? अब अंतर्गत हुए भाई हमारी परिचय राजा रोन सो। जिसे देखना है वह भी हीटर है और जिसको देखना है वो भी हीटर है। अब काय को बाहर की जरूरत है? देख के बाद लगा दियो। जिसे बात करना है वो भी हीटर और जिसे समझना है वो भी हीटर। अब क्या करें? जिसे देखना है वह भी हीटर है और जिसे देखना है वह भी हीटर है। इंद्रियों का क्या कहूं? नल की टंकी भी भरने जाती हो उस समय बाहर के नल बंद करते हो कि नहीं? आपको आत्मा देखना है तो बाहर की इंद्रियों को बंद करो। इंद्रियां साधक नहीं है, बाधक हैं। ऐसे इंद्रियां माने इंद्रियों के विषय नहीं, केवल विषय तो महाबाधक हैं ही, लेकिन इंद्रियों से होने जो आपको दिखाई देता है ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान जिसको कहते हैं, वह इंद्रिय ज्ञान भी बाधक है, आत्मज्ञान साधक है। जाने क्या क्या उल्टा सोचते रहते हैं। हम आपसे कहते हैं सोचोगे तो है, अगर ये नहीं सोचोगे तो उल्टा सोचोगे और जो सोचोगे तो उल्टा ही सोचोगे। टोटल मर्जी लिखा न मैं अधिकार मोक्ष मार पका सकना। तीव्र कसाई उद्यम करे तो पाप का ही करे। जो सोचोगे उल्टे, अब नहीं जा रहे, अब कल से स्वाध्याय करेंगे। अब बस सोच रही तुमने उल्टी सोची सच्ची का हो तो है, का कर लिए का बेगरे है। ये उल्टी सोचे सच्ची कर्म का बंधन नहीं हो रहा? कर्म का हर समय बंद हो रहा है कि नहीं? परिणामों का फल हर समय है कि नहीं? लेकिन आपको ये लगता है क्या होता है? नहीं मानेंगे हम, नहीं जवाब देंगे, नहीं बोलेंगे, नहीं दोहराएंगे, नहीं सोचेंगे, समय रहते हुए सावधान नहीं होंगे, क्या हो जाएगा? ये क्या करेंगे? अरे करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे परिणामों का फल ऑटोमेटिक तुम्हें मिल रहा। कर्म पूरे ईमानदार है। पाप का उदय हो, पाप का बंद हो और नहीं भी, लेकिन पाप के परिणाम है तो पाप का बंध होता ही है। पुण्य के परिणाम नहीं हो और पुण्य का उदय बहुत हो, पैसा सुंदर रूप बुद्धि बहुत सी दीक्षण, हमारी तो बहुत पुण्य का उदय है। मंगल मंदिर भी बगल में है। अरे भले आदमी तुम भक्ति से दर्शन करने आते हो कि नहीं? भक्ति से जिन प्रवचन सुनने आते हो कि नहीं?
मंदिर बगल में होने से काम क्या चलेगा, मन को मंदिर बनाने से काम चलेगा। मंदिर की महिमा तुम्हारे अंदर में है कि नहीं? मंदिर तो रोज आते हैं लेकिन मन अंदर कब आते हो? अंदर आने की तो कोई जरूरत ही नहीं, लेकिन अंदर आए बिना क्या होगा? आपको ये लगता है बाहर जाओ, हम तो बहुत दूर से आए, बाहर से आए। अरे भाई, बाहर और भीतर का समझ रहे? जाओ माने क्या समझ रहे? क्या आप शरीर हो? उठ के चले गए तो बाहर चले गए, आके बैठ गए तो भीतर बैठ गए। अरे आप अपने को उपयोग रूप देखो, उपयोग आपका यहां आया तो यहां भीतर आई, उपयोग वहां गया बाहर गई। आप उपयोग हो, शरीर नहीं हो। आत्मा को जाने और शरीर को भिन्न नहीं जाने, असंभव। निर्दोष तत्व को जाने और अपने दोष दिखाई नहीं देवे, हर प्रसंग में अपना ही दोष देखने की आदत डालो, पर का दोष मत देखो और अपना स्वरूप मत देखो। दोष बहुत बड़ा हो जाए लेकिन कोई बात नहीं, अपना स्वरूप तो नहीं है। राग भाव प्रशंसा भाव आपने पढ़े होंगे, प्रवेश काम है, पढ़े हैं? क्या मतलब है? अभाव थोड़ी पढ़ने, अभाव के माध्यम से सद्भाव को पढ़ना है, अपने को पढ़ना है, अपना हित पढ़ना है। पहले धर्म नहीं किया तो आप धर्म कर सकते हैं। क्या बताता है प्राग भाव? प्राग भाव परिभाषा थोड़ी सीख लेनी, केवल पहले धर्म नहीं किया तो आज कर सकते हैं। लेकिन हम तो ही क्या करेंगे, इनको पुण्य का अवधय, हमारा पाप का अवधय। अरे आज तुम पुण्य करो तो तुम्हारा कल पुण्य का उदय आ जाएगा। वर्तमान के परिणाम भविष्य के आपको निर्माण करती है। वर्तमान आपकी मुट्ठी में है, ये समझो। भूतकाल चला गया, चिंता करने से क्या मिलेगा? भविष्य की चिंता करने से क्या मिलेगा? है तो है नहीं। अब एक नियम बनाओ जीवन का, जो सामने नहीं है उसकी चर्चा मत करो, जो सामने नहीं है उसकी चर्चा भी मत करो, चर्चा उसकी करो जो सामने हो, और चर्चा उसी से करो। ये बताओ हमारे दोष को आप दूर कर पाओगे? इनसे कहने से क्या फायदा होगा? हमारे दोष हम ही तो दूर करेंगे। इसलिए जीवन का सिद्धांत बनाओ, नियम बनाओ, स्वीकार करो। जिन वाणी में तो पहले ही कहा है, राग द्वेष करता कथा कबू न, सुनो भी नहीं। करने की बात तो बहुत दूर है कि जो सामने नहीं है उसकी चर्चा नहीं करेंगे, जो तुम्हारे भीतर है उसकी चर्चा करो। क्यों पढ़ते हो घर घर चर्चा रहे धर्म की? कर्म की चर्चा नहीं कर रहे, धर्म की चर्चा कर रहे, और धर्मी के बिना धर्म की चर्चा कैसे हो सकेगी? धर्मी के बिना धर्म की चर्चा करके बताओ, धर्मी का आश्रय किए बिना, धर्मी का विश्वास किए बिना, श्रद्धान किए बिना धर्म करके बताओ, कैसे करो? जिसे तुम धर्म माने हो वह कर्म होगा, धर्म नहीं होगा। उठ के बैठ के हम यहां बैठ गए, इसी क्या होगा? हम वहां बैठ गए,
उठ के, इससे क्या हुआ? हमारा उपयोग कहां है? हमारे अंदर में क्या चल रहा है? बार बार सोचो, इतने लोगों में बैठ करके ये मत सोचो, ये धर्म सभा धर्मात्मा बने के अभिमान के लिए नहीं है, धर्म की वृद्धि के लिए है। धर्म के प्रारंभ तो हो जाए। हमने तो मंदिर धर्म के लिए समझने के लिए आते हैं, लेकिन मंदिर आने कोई धर्म मान लिया। बहुत लड़का धर्मात्मा है, दोनों टाइम मंदिर आता है। अरे भाई, मंदिर आने से धर्म थोड़ी हुआ। मंदिर आकर के कुछ चिंतन करोगे, कुछ विचार करोगे, निर्णय करोगे, निश्चय करोगे, तब धर्म होगा। कैसे धर्म हो जाएगा मंदिर आने से? लोक में ये कहावत है, कोई बीमार हो जाए तुम तो वैद्य के पास चले जाओ, लेकिन वैद्य के पास जाने मात्र से रोग ठीक होता हो तो बता? वैद्य के पास जाए बिना तो रोग ठीक होता नहीं, और वैद्य के पास जाने मात्र से रोग ठीक होगा, तो फिर वैद्य के पास जाने की उपयोगिता क्या है? वैद्य के पास निरोग होने की विधि प्रक्रिया सीखनी है, समझनी है, वही परमात्मा के पास है। आपको ध्यान रखना चाहिए, मंदिर में विराजमान परमात्मा अंदर के परमात्मा को समझने के लिए, देखने के लिए है। वे परमात्मा परमात्मा होने की विधि बताते हैं, सुखी होने का उपाय बताते हैं। मेटो मेटो संकट हमारा, उन नहीं संकट में डालो तुम्हें। अरे संकट तुम्हारे परिणामों से आया है, और विपरीत परिणामों से आया हुआ संकट कष्ट सम्यक परिणाम के बिना कैसे मिटेगा? सोचो तो बेकार है। अरे बेकार की बात नहीं कह रहे हम ये कह रहे हैं अभी अधूरा है। नोट्स लगा देती थी आपकी कॉपी पर, अध्यापक अधूरा, पूरा करो। आत्मदर्शन के बिना देव दर्शन अधूरा है। भक्ति में, पूजा में, दर्शन में अपनी कही आती है, और स्वाध्याय में भगवान की सुनी जाती है। स्वाध्याय के बिना दर्शन अधूरा, और समाय के बिना स्वाध्याय अधूरा। तुमने बहुत बड़ा लेकिन विचार नहीं करने बैठे तो अधूरे ही अधूरे जाए। पढ़ते रहे और कोई सुनने के लिए है ही नहीं, कोई समझने वाला है ही नहीं, हमें कोई समझता ही नहीं, तुम्हें काय को समझो? तुम अपने को क्या समझ रही हो ये बताओ पहले। सामाय के बिना स्वाध्याय अधूरा। जैसे स्वाध्याय के बिना आपकी दर्शन, पूजा, भक्ति सब कुछ अधूरा। बेकार नहीं कह रहे, कल से बंद मत करना, स्वाध्याय और करना। लड़की से कहा, बेटा ये कपड़ा धो देना पिता ने। लड़की ने पानी में डाल दिया। अरे बेकार कर दो और गीला कर दो। अरे गीला करने की एक विधि है, अधूरा है अभी। जब तक तैयार ना होकर रख जाए तब तक अधूरा है कि नहीं? हम आपसे इसी भाषा में कह रहे हैं, स्वाध्याय के बिना दर्शन अधूरा है। ये सुनकर के पीछे मत देखना, पीछे मत भागना, दर्शन मत छोड़ना।
दर्शन करने के बाद मंदिर में स्वाध्याय करने की भी जाओ, घर पर अपना स्वाध्याय करो। स्वामाय के बिना स्वाध्याय अधूरा है, तो हम कल से नहीं पढ़ेंगे। ये नहीं कहा हम उसका मनन चिंतन करेंगे, उसका आचरण करेंगे। एक आमना अनपेक्षा नाम का स्वाध्याय है। अनपेक्षा माने हैं विचार करना। क्या विचार करना? ये हमारा जो पढ़ा सुना हुआ विषय है वह हमारे जीवन में कैसे आवे, ये विचार करना। ये विचार नहीं करना, बस उन्हीं को बार बार पढ़ लेना। परिभाषा दोहरा लेना। विचार करने का मतलब है ये हमारे जीवन में कैसे आ, छोड़ने लायक है तो हमारे जीवन से ये कैसे अलग हो जाए, छूटे कैसे। और यही बात युधिष्ठिर ने पढ़ी थी, क्रोध नहीं करना चाहिए। कहां कर रहे क्रोध हम? अरे क्रोध के प्रसंग में भी क्रोध नहीं करना चाहिए। याद हो गया? हो गया। युधिष्ठिर बोले नहीं हुआ, क्यों? क्रोध का प्रसंग ही नहीं बना। एक चांटा दिया, याद हो गया? चांटे से याद नहीं हुआ, चांटे आने पर क्रोध नहीं आया तब समझा के हमें याद हुआ। मान के प्रसंग में मान नहीं होना, माया के प्रसंग में माया नहीं होना, लोभ के प्रसंग में लोभ नहीं होना, हास्य के प्रसंग में हास्य नहीं होना, और सबसे बड़ी बात है भय के प्रसंग आने पर भी भयभीत नहीं होना। डर लगत हम आपसे कहते हैं, अगर दुर्गुणों का डर नहीं लगेगा तो महापुरुषों का डर लगेगा। दुर्गुणों का डर नहीं होगा तो गुरुजनों का डर होगा। पिताजी को डर लगत क्यों? अनुशासन हमें कठिन लगता है, पाल नहीं पाते। स्वच्छता अच्छी लगती है, भय डर लगत। काय को डर? अपने पास कोई बंदूक है, डंडा है, कुछ नहीं, और डर लगता है। काय का डर लगता है? अरे तुम्हें अपने मोह से डर नहीं लगता, प्रमाद से डर नहीं लगता, असंयम से डर नहीं लगता, तो तुम्हें गुरुजनों का डर लगता है। जब आपको मोह से डर लगेगा, असंयम से डर लगेगा, प्रमाद से डर लगेगा, कसाय से डर लगेगा, तो सही कह रहे हैं, निश्चय की बात है ये, बिल्कुल आपको गुरुजनों से डर नहीं लगेगा। कभी आप जेल की ओर से, कोतवाली की ओर से निकलते हो, डर लगता है? काय? अरे अपराध हो तो डर लगे, अपराध नहीं हो तो काय का डर? अपराध होता है तो पकड़ नहीं रहे कोई, बांध नहीं रहे कोई, बंधना कर दे, और अपराध नहीं है तो डर इस बात का चिन्ह है आपके अंदर में कोई अपराध है। अपराध नहीं होगा तो डर नहीं लगेगा। आप निशंक होकर के यहां आ जाओगे, बैठ जाओगे, और पढ़ करके नहीं आओगे, विचार करके नहीं आओगे, तो डर तो लगेगा ही, हम क्या करें? आश्चर्य की बात है, जिन गुरुजनों के पास बाहर से देखो तो कुछ भी नहीं है, उनका डर लग रहा था तुम्हें, और जिनके पास, क्या कहें हम, जो पाप बंद के ही निमित्त, उनसे डर नहीं लगता। विडम्बना है, शुद्धात्मा ही देखने लायक है, शुद्धात्मा ही दिखाने लायक, लेकिन वह आत्मा कैसा है जो देखने लायक है? वह आत्मा सही से न्यारा है, कर्मों से न्यारा है,
और नो कर्म से न्यारा है। कौन सा शुद्धात्मा देखने लायक है? जो प्रमत्त नहीं होता, जो अप्रमत्त नहीं होता, जो अनादि निर्णय, जो क्षण क्षण में मरता है, क्षण क्षण में जन्मता है, वह आत्मा नहीं है। एक बात और बताएं, अज्ञानी क्षण क्षण में मरता है, ज्ञानी नहीं मरेगा। अरे ज्ञानी की बात नहीं है, अस्तित्व गुण के योग थे। मरना जिसको आप कहते हो वो केवल ट्रांसफर है। शरीर जो इसको हम जिंदा मानने का भ्रम करे बैठी थी वो यहां पड़ा है। आत्मा निकल करके बाहर चला गया, मरा कौन? कौन के लिए रो रहे हो? वो तो स्वर्ग में देव हो गया, सड़े शरीर को छोड़ करके वैकरिक शरीर में चला गया और तुम रो रहे हो। तुम्हारा मोह अज्ञान जनित है, शोक अज्ञान जनित है, तुम्हें मोह तुम्हारा रुला रहा है। और मोह से जो दुख होता है उसके मिटने का उपाय एकमात्र ज्ञानाभ्यास ही है, और कुछ नहीं। अंधेरा डंडा से नहीं भगेगा, तसला से नहीं भगेगा, फावड़े से नहीं भगेगा, भर कर के फेंको। एक बार क्या हुआ आपको बताया था, एक विवाह होकर के आया, एक बहू आई घर, सासू को जाना था बाहर। उन्हें कहा बेटा शाम का समय होने को, उन्हें कहा बेटा कोई घोष न आए घर, सावधान से रहना, मैं आ रही हूं जल्दी से, अभी तो जाना है। काम निपटा करने के बाद देरी पर बैठ गई, एक हाथ में डंडा लिया और अंधेरे से बोलने लगी, तू कब घुसे आए? हम तो देरी पर ही बैठे रहे, हम तो देखते ही रहे। ऐसे ही मोह कभी घुसाता, कब घुसाता है? जब अपना तो आता है, अपने को भूते हैं, उसे मौका मिल गया वो घुस आया। तुम भूल गए परमाणु मात्र मेरा नहीं, मेरा वैभव मोह आ गया। मेरी दुकान, मेरा घर, मेरा लड़का, मेरी लड़की, मेरा स्वरूप आ गया मोह। अपने को भूले और मोह घुसा भी था। तुम देरी पे बैठे रहो क्या खुशबू है? सासू आई बोले क्या कर रहे हो? अरे हम तो देरी पर ही बैठे रहे, जाने कब आएगा जो अंधेरो और कब भीतर घुस गया हमें मालूम ही नहीं पड़ा। अरे ये तो मूर्ख है, जाओ तुम एक दीपक ले आओ, जलाया और डंडा हाथ से दे दिया, यहां लाओ। कहां है? तुम इन बर्तनों को व्यर्थ पटक रहे हो, तोड़ फोड़ मचाई है मुफ की। हमारा कर्तव्य तो उसी प्रकार झूठा है जैसे सांड कोई हो और घूरे पर जाकर के सींगों को इतने उतहला है और फिर डग रहा है कि हमने बहुत काम करो, ये घूरा हमने साफ किया। अरे भैया तुमने साफ किया है, घूरा फैला दिया है, तुमने कर्तृत्व के नाम पर केवल दुख का कारण रूप विकल्प किए हैं, बाद बाकी कुछ नहीं किया। ज्ञानी ज्ञान करता है, अज्ञानी अज्ञान भाव करता है, पुद्गल का कार्य तो पुद्गल करता है, हम नहीं करते।
हमें मालूम भी नहीं हम क्या बोलेंगे, हम बोल रहे हैं। अभिमान कर सकते हो, बोल नहीं सकते। और अगर आवाज नहीं निकले तो तुम कहां से बोलोगे? यहां से वहां तक पहुंचने वाली आवाज और बिल्कुल नहीं निकले एक शब्द भी, तो क्या करोगे? जब तक आवाज रुक जाए, बोलना बंद हो जाए, खुशी से बंद कर देना, मजबूरी की बात नहीं है। बोल बिगाने कौन सो, किसे बोले? पूज्य स्वामी कहते हैं, जो बोलता है वह दिखता नहीं, जो दिखता है बोलता नहीं। कौन के साथ करें बाकी? हम बैठे अपनी मौन सो। आत्मा देखने से पहले गिनवाणी का स्वाध्याय करने के बाद आप आत्मा का निश्चय कर लेना चाहिए। एक साइकोलॉजी मनोविज्ञान आपको बताए, ये ठग आ जाते आपके घर पर, गड़ा हुआ धन बताने वाले। तुम्हारे घर कोई छोटी लड़की है? है। ए बेबी यहां ये बता, तुम्हें घड़ा दिख रहा हुआ कि नहीं? अब दिखाए तो पहले ही जाओ। सोने की मोरों से भरा हुआ घड़ा और जे बातन में आ गए, बीबी को देख कैसे रहो? हम आपसे कहते हैं दोहराया हुआ झूठ, जब सत्य भाषित हो सकता है तो सत्य को दोहराएंगे तो हमें क्यों भाव भाषण नहीं हुआ? बार बार विचार करो, बार बार विचार करो और उसी में मग्न हो जाओ। जैसे पानी भरने का भी गए, अब तो कोई जरूरत ही नहीं, अब तो नल आते हैं तुम्हारे घर। कुएं पर पानी भरने गए, अपने बर्तन को वहीं डुबकी लगाते हो, बार बार ऊपर उठाया नीचे डाला, ऊपर उठाया नीचे डाला, ऊपर उठाया नीचे डाला, कब तक? जब तक डूब न जाए। अरे हमारी परिणति जब तक भगवंतों की भक्ति में तत्व ज्ञान में डूब न जाए, निमग्न न हो जाए, गहरी न उतर जाए, तब तक बराबर ये प्रक्रिया करते रहना, पढ़ते रहना, सुनते रहना, विचार करते रहना और अपने को संबोधन करते हैं। ओम नमः।